हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर स्टाइलिंग। आज हम लोग हेयर स्टाइलिंग के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए सभी लोग, ताकि मेरी वीडियो डलते ही तुरंत के तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को समय से देख सकें और अच्छी तरीके से लाभ उठा सकें, सारे के सारे MCQ पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हेयर स्टाइल सामान्यतः की जाती है। देखिए, हेयर स्टाइल सामान्यतः की जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है स्थाई, ऑप्शन बी है अस्थाई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब हेयर स्टाइल सामान्यतः की जाती है, स्थाई और अस्थाई दोनों तरीकों से की जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हेयर स्टाइलिंग का निम्न में से कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त है। देखिए, कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है थर्मल स्टाइलिंग, ऑप्शन बी है वेट स्टाइलिंग, ऑप्शन सी है रोलर सेटिंग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थर्मल स्टाइलिंग। देखिए, हेयर स्टाइलिंग का निम्न में से कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त है, तो थर्मल स्टाइलिंग अधिक उपयुक्त है। देखिए, थर्मल स्टाइलिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान भी लीजिए, पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे में भी कि होता क्या है। देखिए, वर्तमान समय में मतलब प्रेजेंट टाइमिंग में हेयर स्टाइल का सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार थर्मल स्टाइलिंग है, जिसमें ब्लो डायर, फ्लैट आयरन, कर्लिंग आयरन, चिमटी, ब्रश इत्यादि औजार प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब कभी भी हमें साधारण रूप में तैयार होना होता है तो थर्मल स्टाइलिंग को सर्वोत्तम स्टाइलिंग माना जाता है। ठीक है, बहुत कम समय लगता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो जब हमको कभी भी तैयार कर होना होता है तो हम क्या मानते हैं, हम लोग थर्मल स्टाइलिंग को क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्मल स्टाइलिंग। इसके बारे में भी जानना थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि हमको पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या है। हेयर स्टाइलिंग का निम्न में से कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त है, तो थर्मल स्टाइलिंग है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्मल स्टाइलिंग में निम्न में से कौन सा अव्यय प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, कौन सा अव्यय प्रयुक्त नहीं होता है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है ब्लो डायर्स, ऑप्शन बी है चिमटी, ऑप्शन सी है ब्रश, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम प्लेट। थर्मल स्टाइलिंग में निम्न में से कौन सा अव्यय प्रयुक्त नहीं होता, तो एल्युमिनियम प्लेट प्रयुक्त नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, रोलर्स के द्वारा किस प्रकार की हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। देखिए, रोलर्स के द्वारा पूछा जा रहा है इसमें किस प्रकार की हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए है लचीली, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लचीली। रोलर्स के द्वारा किस प्रकार की हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है, लचीली बनाई जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से किस प्रकार के रोलर्स बालों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आप लोग। निम्न में से किस प्रकार के रोलर्स बालों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। ऑप्शन ए है छोटे रोलर्स, ऑप्शन बी है मध्यम रोलर्स, ऑप्शन सी है बड़े रोलर्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मध्यम रोलर्स। निम्न में से किस प्रकार के रोलर्स बालों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, तो मध्यम रोलर्स, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बालों के स्थाई हेयर स्टाइल के लिए निम्न में से किस रोलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बालों के स्थाई हेयर स्टाइल के लिए पूछा जा रहा कि हमको किस तरीके का रोलर का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के रोलर का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है मैटलिक रोलर, ऑप्शन बी है ब्रश रोलर, ऑप्शन सी है वुडन रोलर, ऑप्शन डी है प्लास्टिक रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वुडन रोलर। बालों के स्थाई हेयर स्टाइल के लिए निम्न में से कौन सा रोलर यूज़ किया जाता है, देखिए वुडन, वुडन वाला। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा वुडन रोलर के बारे में, मतलब लकड़ी के रोलर के बारे में कि ये क्या होता है वुडन रोलर। देखिए, इसे बालों के स्थाई मतलब परमानेंट हेयर स्टाइल के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इन्हें बालों में आसानी से लगाया जा सकता है। ये होता है कि हमको अगर स्थाई परमानेंट हेयर स्टाइल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका यूज़ करना होगा। तो वो हो गया हमारा वुडन रोलर। तो
बालों में स्थायी हेयर स्टाइल के लिए निम्न में से किस रोलर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वुडन रोलर का यूज किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रोलर कठोर ट्यूब द्वारा निर्मित होते हैं, ये कथन निम्न में से किस रोलर से संबंधित है? देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को पूछा जा रहा कि किस रोलर से संबंधित है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक रोलर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक रोलर, ऑप्शन सी है ब्रश रोलर, ऑप्शन डी है वुडन रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक रोलर। ये रोलर कठोर ट्यूब द्वारा निर्मित होते हैं, ये कथन निम्न में से किस रोलर से संबंधित है? इलेक्ट्रिक रोलर से। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, रोलर को बालों से निकालते समय बालों के टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए उसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन से रोलर को उसके बारे में पूछा जा रहा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। रोलर को बालों से निकालते समय बालों के टूटने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए है मेटलिक रोलर, ऑप्शन बी है ब्रश रोलर, ऑप्शन सी है वुडन रोलर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रश रोलर। रोलर को बालों से निकालते समय बालों के टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है ब्रश रोलर में, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर को बालों में लगाते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अवश्य अपनानी चाहिए? देखिए अगर हम रोलर को बालों से निकाल रहे हैं तो उस समय हमको कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए, उसका ध्यान देना है यहाँ पे कि वो कौन सी सावधानी है, कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। ऑप्शन ए है बालों में रोलर को अधिक टाइट न करना, ऑप्शन बी है रोलर के साइज़ के अनुसार बालों को लेना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है बालों की परतों को सिर टेढ़ा करके पकड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मतलब बालों को रोलर में लगाते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अवश्य अपनानी चाहिए, बालों में रोलर को अधिक टाइट न करना, बालों के साइज़ के रोलर के साइज़ के अनुसार बालों को लेना। देखिए जिस साइज़ का रोलर रहे उसी के साइज़ के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, बालों को लेना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बालों में रोलर को डैश के द्वारा संलग्न किया जाता है। देखिए बालों में रोलर को किसके द्वारा संलग्न किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है चिमटी, ऑप्शन बी है हेयर बैंड, ऑप्शन सी है सुई, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सुई। बालों में रोलर को सुई के द्वारा संलग्न किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लो ड्रायर का प्रयोग करने से मुख्य हानि है। देखिए अगर हम ब्लो ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हमको लॉस होता है, क्या हानि होती है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है बालों की प्रत्यास्थता खत्म होना, ऑप्शन बी है बालों को विभिन्न खंडों में विभक्त करना, ऑप्शन सी है बालों को रोलर के चारों ओर लपेटना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बालों की प्रत्यास्थता खत्म होना। ब्लो ड्रायर का प्रयोग करने में मुख्य हानि क्या होती है? ऑप्शन ए बालों की प्रत्यास्थता खत्म होना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मैनुअल रोलर का प्रकार नहीं है? देखिए कौन सा मैनुअल रोलर का प्रकार नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए है स्पंज रोलर, ऑप्शन बी है कॉम रोलर, ऑप्शन सी है वाटर रोलर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाटर रोलर। निम्न में से कौन सा मैनुअल रोलर का प्रकार नहीं है? वाटर रोलर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर सेटिंग की जाती है। देखिए रोलर सेटिंग की जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है किस तरीके से की जाती है, किस लिए की जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है बालों को सुखाने के लिए, ऑप्शन बी है बालों को सीधा करने के लिए, ऑप्शन सी है बालों की कटिंग करने के लिए, ऑप्शन डी है बालों को घुंघराला करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बालों को घुंघराला करने के लिए। रोलर सेटिंग किस लिए की जाती है? बालों को घुंघराला करने के लिए की जाती है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ड्रायर के द्वारा बालों को डैश मोड़कर हेयर स्टाइल बनाई जाती है। देखिए ब्लो ड्रायर के बारे में इसमें पूछा जा रहा कि बालों को डैश मोड़कर हेयर स्टाइल बनाई जाती है। ऑप्शन ए है अंदर की ओर, ऑप्शन बी है बाहर की ओर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
ए और बी दोनों ब्लो ड्रायर के द्वारा बालों को अंदर और बाहर दोनों की तरफ मोड़कर हेयर स्टाइल बनाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ड्रायर को बालों से की दूरी पर रखना चाहिए। देखिए ब्लो ड्रायर को बालों से कितनी दूरी पर रखना चाहिए उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1 इंच, ऑप्शन बी है 2 से 3 इंच, ऑप्शन सी है 3 से 5 इंच, ऑप्शन डी है 15 इंच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 से 5 इंच। ब्लो ड्रायर को बालों से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 3 से 5 इंच दूरी पर रखना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी तरीके से बस कंटिन्यू वीडियो के साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर से बता देती हूँ, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और स्विमिंग टेक्नोलॉजी, आप लोगों की सारी वीडियोस MCQ की प्लेलिस्ट में डली हुई, आप लोग वहाँ से सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए, अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। और देखिए यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ 9721721575। देखिए एंट्रेंस एग्जाम वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जल्दी से अच्छे नंबर पास होके अपना कॉलेज ले लीजिए अपनी चॉइस का। फिर इसके बाद में अगर आप लोगों को CITS में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा POT सॉफ्ट स्किल ट्रेड थ्योरी, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में। थैंक यू।